नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार एजुकेशन कुरुचि में आपका स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ की कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक के बारे में, जो कि आपके आने वाले हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर और दिल्ली पुलिस एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगी। अगर आप इनमें से कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको ये वीडियो ध्यान से और अंत तक देखनी चाहिए। और हाँ, साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को आपको भी सोल्व करना है और वीडियो के एंड में कमेंट करके बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और ये है मैथ का पार्ट नंबर 2। तो चलिए फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 2x² + 3x - 1 बहुपद को 1 जमा x से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? तो हमें बताना इसका शेषफल क्या होगा। देखिए, इसको करने का एक आसान सा तरीका है जिससे हमें भाग करना ना, ये 1 + x, इसमें देखो अंक क्या है, 1। 1 को लिख लो, 1 किसका है, प्लस का, तो इसको कर दो माइनस का, बस और कुछ नहीं करना। जो 1 प्लस का है तो माइनस का कर दो, अगर माइनस का है तो प्लस का कर दो। ये प्लस का था तो हमने कर दिया माइनस का, ठीक है। अब एक्स की जगह इसको रख दो, यानी इसमें जो एक्स है ना उसकी जगह लिख दो -1। x² है तो लिख देंगे -x² जमा में 3 और एक्स की जगह -1, फिर -1। अब देखो, -1 की 2 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस का, ठीक है। अब जो 1 प्लस का आएगा उसकी गुणा करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा, 2। अगर 3 की -1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -3, और उसके बाद -1 तो है ही। अब देखो, -3 है और -1 है, ये क्या हो जाएंगे, जुड़। जुड़ कर कितने हो जाएंगे, 3 और 1 4, किसके, माइनस के। अब -4 और ये क्या है, 2, किसका, प्लस का। अब इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -2, और यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर, है ना, सिंपल। जिसको आपसे भाग करना है ना उसमें अंक देखो क्या है, 1 है, प्लस का है तो माइनस का कर दो, माइनस का है प्लस का कर दो, और फिर उसको इसमें जो एक्स है उसकी जगह रख दो -1, है ना, सिंपल। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र से 7 गुना थी, 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 4 गुना होगी, पिता एवं पुत्र की वर्तमान में आयु क्या है? देखो, ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, ऑप्शन से। कोई भी ऑप्शन उठा लो पहले, जैसे हमने उठा लिया 45 और 9, ठीक है। ये क्या है, इनकी वर्तमान आयु। 45 किसकी है, फादर यानी पिता की, दे रखिए ना पिता पुत्र, तो पहले क्या पिता, फिर है पुत्र यानी सन, ठीक है। अब जो इसने बोला है वही करना हमें, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पूर्व क्या थी, इनकी 3 3 साल कम थी उम्र, पिता की थी 42 और पुत्र की थी 3 साल कम, 6 वर्ष। 3 वर्ष पूर्व क्या थी, पिता की उम्र पुत्र से 7 गुना थी। अब ये देखो 7 गुना है या नहीं, 6 7 42, 7 गुना है तो ये भी ठीक है। उसके बाद देखो, 3 वर्ष बाद, देखो पिता की उम्र 45 है वर्तमान में और पुत्र की 9, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या होगी, 3 3 वर्ष जुट जाएंगे, पिता की होगी 48, पुत्र की होगी 12। 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 4 गुनी है। अब देखो ये 4 गुना है या नहीं, 12 चौक 48, है ना 4 गुना, तो इसका मतलब ये सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी एक काम 707 रुपये में पूरा करने का ठेका लेते हैं, ए और बी एक साथ मिलकर उस काम का 5/7 भाग पूरा करते हैं तथा शेष बचा काम सी अकेला करता है, तो सी को कितनी मजदूरी मिलेगी? एक बात देखिए, जो 7 ही क्या है कुल काम, और जो 5 है ये क्या है, ए और बी द्वारा किया गया काम, ठीक है। कुल काम है 7, ए और बी ने कर दिया 5, तो कितना बच गया, 7 - 5 2, तो ये 2 किसने किया, ये किया सी ने, हमें पता लग गया 2 काम किया सी ने। हमें बतानी है मजदूरी, कुल मजदूरी मिलती है सबको 707 और कुल काम कितना है 7, ठीक है। बस इतना करना है, उसके बाद गुणा कर देंगे उसकी जिसकी हमें मजदूरी निकालनी है, हमें निकालनी है सी की, सी का कितना आया था 2, काट दो जो कटता है, 7 एकम 7, 0 की 0, 7 एकम 7, 101 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 202, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, आंसर ए, है ना सिंपल। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक टैंक में 2 नल लगे हैं,
पहला नल टैंक को 45 मिनट में पूरा भर सकता है तथा दूसरा पूरे भरे हुए टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल को बारी बारी 1 मिनट के लिए खोला जाए तो खाली टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखो पहले टैंक को मान लेते हैं हम ए, ये कितने मिनट में भरता है? 45 मिनट में। और दूसरा टैंक कितने मिनट में खाली करता है? 1 घंटा यानी 60 मिनट में। अब हमें क्या करना है, इनका ले लेंगे लघुत्तम यानी ऐसी संख्या जो इन दोनों से पूरी पूरी भाग हो जाए। हमने ले लिया 180। अब 180 की 45 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 4। 180 की 60 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 3। इसका मतलब क्या हो गया, जो 180 है ये है टंकी में आने वाला कुल पानी, और जो ए है ये 1 मिनट में भरता है 4 लीटर, और जो बी है ये 1 मिनट में करता है 3 लीटर खाली। इतना आ गया आपको समझ में। अब इसने क्या बोला था, यदि दोनों नल बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोले जाएं तो सिंपल सी बात है पहले कौन सा चलेगा? ए, इसने भर दिया 4 लीटर। उसके बाद चलेगा बी, इसने कर दिया 3 लीटर खाली। तो 2 मिनट में कितनी भरी टंकी? 4 में से 3 गया 1, यानी 2 मिनट में भरती है 1 लीटर। और कुल टंकी कितनी भरनी है? 180 लीटर। पहले 176 लीटर भर देंगे। 176 लीटर टंकी कितनी देर में भरेगी? 2 गुणे टाइम में, 176 दूनी 352। अब देखो 176 लीटर टंकी भर गई है कितनी देर में? 352 मिनट में। ठीक है, अब नंबर किसका आएगा? अब आएगा ए का। क्यों? पहले ए का फिर बी का। ठीक है, तो दोबारा किसका आना चाहिए अब? ए का। तो ए कितने लीटर भरेगा? 4 लीटर। 4 लीटर भरते ही टंकी कितनी हो जाएगी? फुल 180 लीटर। और ये कितनी देर में भरेगा? 1 मिनट में। टोटल टाइम कितना हो गया? 353 मिनट। और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर? अगर इसके घंटे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5 घंटे 53 मिनट। और ये कौन से ऑप्शन में है? देखिए ये है ऑप्शन 4 में। अगला क्वेश्चन है, एक तैराक धारा की दिशा में 6 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है तथा धारा के प्रतिकूल 8 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तैराक की शांत जल में गति क्या है? इसने क्या पूछा है? शांत जल में। तो ऐसे क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं? हमें टाइम दे रखा है, दूरी दे रखी है, हम क्या निकाल लेंगे? चाल यानी स्पीड। इसके लिए हम क्या करते हैं? दूरी बटे में समय, छिकू छिकू 36, ये क्या आ गई? चाल। और इसी तरह इसकी निकाल लेंगे दूसरे की, 40 बटे में 8, 8 पंजे 40। पहले वाले की आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें बतानी है शांत जल में गति क्या होगी। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो और पूछ रखा हो शांत जल में गति, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की जो चाल है ना इसको जोड़ देंगे, 6 जमा 5, और भाग कर देंगे 2 से। ठीक है, तो कर दो, 6 और 5 11, 11 बटे 2, तो भाग करेंगे तो 2 पंजे 10.2 पंजे 10, तो कितना आ गया? 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये किस ऑप्शन में है? पहले वाले। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति धारा के विपरीत 4 घंटे में 16 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 6 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो धारा की गति क्या होगी? देखो उसमें पूछी थी शांत जल की गति, इसमें पूछ ली धारा की गति। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले तो निकाल लेंगे चाल, वो कैसे निकाल लेंगे? दूरी बटे में समय, क्या आ गया? 4। और दूसरे का 36 बटे 6, कितना आ गया? 6। पहले वाले की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की 6 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें निकालनी है धारा की गति, इसमें हमें क्या करना है, इनको घटाना है बटे 2। अगर शांत जल में पूछते तो जोड़ देते, लेकिन इसने पूछा धारा की गति, इसमें हम क्या करेंगे, इनको घटा देंगे। बस आपको ये बात याद रखनी है, 6 में से 4 गया 2, 2 बटे 2 क्या आ गया? 1। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये ऑप्शन किस में है? इनमें से किसी में भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5। है ना सिंपल। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्रमानुसार 2 वर्षों की आय का अनुपात 2:3 है और खर्च का अनुपात 5:9 है। यदि दूसरे वर्ष में आय 45,000 है और प्रथम वर्ष का खर्च 25,000 है, तो दोनों वर्ष की कुल बचत क्या है? देखो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो आय का अनुपात कितना है? 2:3। अगर आय को हम एक्स मान लेते हैं तो अनुपात क्या हो जाएगा? 2x/3।
अगर खर्च को मान लेते हैं हम वाई, तो अनुपात क्या हो जाएगा, 5y अनुपात में 9y। यहाँ तक आ गया आपको समझ में? आगे कुछ नहीं करना, जो बोल रखा है वही करेंगे हम। यदि दूसरे वर्ष की आय 45,000 हो, दूसरा वर्ष कहाँ पे है, ये आय वाला, 3x किसके बराबर है, 45,000 के, तो x किसके बराबर हो जाएगा, ये 3 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, भाग में, 3 एकम 3, 3 5 15, 0 0, तो क्या हो गया, 15,000। यानी x का मान कितना आ गया, 15,000। तो पहले वर्ष की आय क्या आ जाएगी, 2 गुणा में x, x कितना है, 15,000, तो 2 की 15 से गुणा करेंगे कितना हो गया, 30,000, और 15,000 की फिर 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 45,000, तो कुल कितना हो गया, 75,000। ठीक है, यानी आय तो आ गई 75,000। अब इसने क्या बोला, प्रथम वर्ष का खर्च 25,000 है, प्रथम वर्ष कौन सा है, ये वाला, कितना है, 25,000, तो क्या करेंगे, 5y बराबर में 25,000, अकेला y किसके बराबर आ जाएगा, 25,000 बटे में 5, तो कितना हो गया, 5,000, यानी y बराबर में आ गया 5,000, तो y 5,000 है, तो 5,000 की 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25,000। ठीक है, जमा में y कितना है, 5,000, 5,000 की 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 5 45,000। अब देखो 25,000 और 45,000 कितना हो गया, 70,000। ये 70,000 क्या हो गया, खर्च, और आय कितनी थी, 75,000। अगर आय में से खर्च घटाएंगे तो क्या आ जाएगी, बचत, तो घटा दो, 75 में से 70 गई तो कितना आ गया, 5,000, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो आ गया आपको समझ में? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ए एक काम को 10 दिन में, बी 12 दिन में तथा सी 15 दिन में पूरा कर सकता है। उन तीनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, किंतु ए को कार्य आरंभ के 2 दिन पश्चात तथा बी को समापन से 3 दिन पहले कार्य छोड़कर जाना पड़ा। कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? सिंपल सा सवाल है, आपको करना क्या है, ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, और उसके नीचे उसके दिन, 10 12 15। अब ऐसी संख्या ले लो जो इन तीनों से पूरी पूरी भाग हो जाए। हमने ले ली 60, तो 60 को 10 से भाग किया 6 आ गया, 60 को 12 से भाग किया 5 आ गया, 60 को 15 से भाग किया क्या आ गया, 4। इतना आ गया आपको समझ में? अब रकम पढ़ो, तीनों ने मिलकर काम शुरू कर दिया, किंतु ए को कार्य आरंभ के 2 दिन पश्चात जाना पड़ा। 2 दिन पश्चात, यानी 2 दिन तो साथ मिलकर कार्य किया ना उन्होंने, तो क्या करेंगे, 6 और 5 11 और 4 15, यानी एक दिन में तीनों मिलकर कितना कार्य करते हैं, 15। एक दिन में करते 15, तो 2 दिन में कितना कर देंगे, 30, और कुल काम कितना है, 60। ये क्या होता है, कुल काम, कुल काम करना था 60, कर दिया 30, कितने दिन में, 2 दिन में। ठीक है, उसके बाद देखो क्या कहता है, ये जो बी है ना, ये कार्य समापन से 3 दिन पहले चला गया। अगर 3 दिन पहले बी चला गया तो वो लास्ट के 3 दिन किसने काम किया होगा, अकेले सी ने, तो सी एक दिन में करता 4 काम, तो 3 दिन में कितना काम किया होगा, 4 3 12 काम, तो 3 दिन में अकेले सी ने किया 12 काम। अब जो काम बच गया वो किसने किया होगा, बी और सी ने, मानते हो ना, और काम कितना बचा है, ये 42 हो गया। अब 60 में से 42 गया कितना हो गया, 18। अब ये 18 काम कौन करेगा, बी और सी। अब देखो बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 और 4 9, तो 18 काम कितने दिन में किया होगा, 18 बटे 9, 9 दूनी 18, तो कितने दिन में किया, 2 दिन में, तो बचा हुआ 18 काम कितने दिन में किया, 2। इसने पूछा क्या है, कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, ये हमारे कार्य हैं, 2 और 3 5 और 2 7, तो क्या आ गया, 7 दिन। आंसर क्या हो गया, पहले वाला। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। तेज गति से चल रही ट्रेन धीमी गति से चल रही ट्रेन में बैठे हुए मनुष्य को 18 सेकंड में पार कर सकती हैं। तेज गति से चलने वाली गाड़ी की लंबाई बताइए। हमें बतानी है तेज रेलगाड़ी की लंबाई। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इनकी चाल कितनी है, 50, तेज वाले की 50, धीमी वाले की 30, घटा दो क्या आ गई, 20। अब देखो जो 20 है ये क्या आ गया हमारे पास, चाल। हमें निकालनी क्या, लंबाई यानी दूरी, दूरी का क्या सूत्र होता है, चाल गुणा में समय, और समय कितना है, 18 सेकेंड। एक बात देखिए, ये तो हो गया 18 सेकेंड, और ये क्या है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा,
तो हम 20 किलोमीटर प्रति घंटा के क्या बना लेंगे, मीटर प्रति सेकंड। उसके लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से गुणा कर देते हैं। आपको एक बात याद रखनी है, जब भी किलोमीटर प्रति घंटा की मीटर प्रति सेकंड बनाओ तो क्या करो, 5/18 से गुणा कर दो। लेकिन जब भी मीटर प्रति सेकंड की किलोमीटर प्रति घंटा बनाओ तो क्या करो, 18/5 से गुणा कर दो, यानी इसका उल्टा कर दो। अब जो कटता उसे काट दो, जो बच जाएगा वो आ जाएगा हमारा आंसर। 18 से 18 कट गया, 20 की 5 से गुणा किया तो आ गया 100, 100 क्या आ गया, मीटर। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ये कौन से ऑप्शन में है, तीसरे वाले में। आंसर क्या होगा, तीसरा। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर तो कर दो यार। ओके फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।